गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू श्री राम अकेडमी. दिस इज़ योर इन्वायरमेंट क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 10 ऑफ इन्वायरमेंट विच इज़ इन्फेक्शियस डिजीज. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. ये लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ की डिफिनेशन क्या होती है. इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय वेरी थिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स. ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं ये किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं, जर्म्स के द्वारा. जर्म्स मतलब बहुत ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई. ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते. यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. आपको इनको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए. देयर आर फोर टाइप ऑफ जर्म्स. दे आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोया एंड फंगई. चार तरह के जर्म्स होते हैं, कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगई. जर्म्स आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड. जर्म्स हमें हर जगह मिलते हैं, या तो फूड की बात करें, वाटर की बात करें या फिर एयर की बात करें, सब जगह क्या होते हैं, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. द पिक्चर बिलो शो द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया. हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेट अस लर्न अबाउट इट. अब ये नीचे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इनमें क्या दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया के डायग्राम दिए गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा. ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. सम डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंटिस एंड डायरिया स्प्रेड थ्रू अ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉइंटिस हो गया, डायरिया हो गया, ये सब किससे फैलते हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटेमिनेटेड मतलब गंदा, जो खाना गंदा रहता है उससे, या फिर जो पानी हो गया, गंदा पानी पीते हैं हम, ऐसे पानी जो नुकसान करता है उससे जो फैलते हैं. तो कौन कौन से डिजीज़ हैं, कॉलरा हो गया, टाइफाइड, जॉइंटिस और डायरिया. सम पीपल ऑफन यूरिनेट और पास स्टूल थ्रू अ सोर्स ऑफ वाटर. द जर्म इन द स्टूल इंटर द वाटर एंड कंटेमिनेटेड. कभी कभी क्या होता है, जो लोग रहते हैं वो, जैसे सोर्स ऑफ वाटर क्या हो गया, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, यहाँ क्या करते हैं लोग, यूरिनेट करते हैं, मतलब कि या तो पेशाब कर दिया उन्होंने या फिर स्टूल कर दिया. तो क्या होता है, इनके थ्रू ये जो जर्म्स होते हैं ये किस में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं. जब आप किसी ऐसी जगह में ये सब चीज़ें करोगे तो क्या होगा, ये वहाँ के वाटर में मिक्स हो जाएंगे. और जब कोई हेल्दी पर्सन इस वाटर को ड्रिंक करेगा तो क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, सम पीपल डू नॉट वॉश देयर हैंड प्रॉपरली, दे हैव जर्म्स अंडर देयर नेल. व्हेन सच पर्सन कुक और सर्व फूड, द जर्म इंटर द फूड. द हेल्दी पर्सन गेट दी जर्म व्हेन दे ईट देयर फूड. अब कुछ लोग कैसे होते हैं कि कुछ लोग अपने हाथ को प्रॉपर वॉश नहीं करते, तो जब ये कभी क्या किया, या तो खाने को कुक किया या फिर सर्व किया, तो ये जर्म्स जो होते हैं वो इनके हाथ के थ्रू उस फूड में होते हैं, और जो फूड लोग, अगर कोई भी इस फूड को ईट करेगा तो उसके अंदर ही क्या हो जाते हैं, जर्म्स चले जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, पीपल थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, हाउस फ्लाइज ब्रीड देयर. अब लोग क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कचड़े को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसमें क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ बैठती हैं. दे आल्सो सिट ऑन एक्सपोज्ड एक्सक्रीटा और स्टूल. अब जो एक्सपोज एक्सक्रीटा होता है, मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उस पर क्या होती है, उसमें भी बैठती हैं और अपने सर क्या करती हैं, जर्म्स को कैरी करती हैं. उसमें जो जर्म्स होंगे वो क्या आ जाते हैं, हाउस फ्लाइज में आ जाते हैं. और जब ये कभी भी किसी खाने में खोले, जैसे आप होटल में देख लो या घर में देख लो, आप खाना ढक के नहीं रखते हो, खुला रख देते हो, तो उसमें क्या होता है, मक्खियाँ बैठती हैं. तो ये मक्खियाँ क्या करती हैं, जो जर्म्स कैरी करती हैं उनको उसी खाने में छोड़ देती हैं, और जिससे ये खाना क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप लोग. डायरिया इज कॉमनली डायरिया इज कॉमन डिजीज
Diarrhea is common disease that spread through contaminated water, food and water. Diarrhea क्या है? एक common disease है जो contaminated food और water के through फैलता है. Diarrhea can cause loss of water and salt from body. अब diarrhea जब होता है तो हमारे पानी से हमारे बॉडीज क्या होता है? Water का बहुत loss होता है और salt का loss होता है. If there is a case of diarrhea in your neighborhood, you can prevent it by giving the child oral rehydration solution ORS. जब अगर आपके कहीं आसपास किसी को डायरिया हो जाता है तो आप उसे क्या चीज़ दे सकते हो एज अ मेडिसिन? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आप उसे दे सकते हो जो क्या करेगा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा. यू कैन ऑल्सो गिव हिम हर कोकोनट वाटर और सूप. उसे आप कोकोनट वाटर या फिर सूप भी दे सकते हो. यू कैन प्रिपेयर ORS एट होम. अब यहाँ पास बताया गया है कि आप ORS को घर में भी प्रिपेयर कर सकते हो ईजिली. टेक 1 लीटर ऑफ क्लीन बॉयल वाटर. आपको 1 लीटर क्लीन बॉयल वाटर लेना है. एड 1 स्मॉल स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट. उसमें 1 चम्मच क्या मिलाना है? कॉमन सॉल्ट मिलाना है. 4 स्पून ऑफ शुगर और उसमें 4 चम्मच शक्कर. एड सम लेमन ड्रॉप टू इट. अब उसमें कुछ नींबू की बूंदें, ठीक, नींबू की बूंदें मिलाना है तो आपका ORS क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा. इस तरह करके आप ORS को अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हो. आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट हेडिंग हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.